गुरुवार को नगर के टेम्पो चालक संघ टोल टाका संचालक द्वारा अवैध वसूली करने को लेकर जिला दंडाधिकारी खरगोन के नाम तहसीलदार मुकेश बामनिया को आवेदन सौंपा है। टेम्पो चालकों द्वारा अपने आवेदन में बताया गया कि बड़वाह और धामनोद के पास महेश्वर से टोल नाका लगाया गया है, जिसकी दूरी नगर से 8 किलोमीटर है। ये टोल नाका व्यावसायिक वाहनों की निर्धारित दर से वसूली नहीं करते हुए अवैधानिक रूप से दोगुनी राशि वसूल की जा रही है। टोल संचालक का स्पष्ट कहना है कि टोल टैक्स के रूप में राशि वसूलेंगे, यह शासन के नियम से नहीं चलता। आप कहीं पर भी इसकी शिकायत करें, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इस कंपनी एवं ठेके के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान की भागीदारी है। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। समस्याओं को लेकर और आज किस प्रकार का आवेदन दिया गया आपके द्वारा? हमने ये डाइवर और बड़वा टोल के संबंधित आवेदन दिया है तहसीलदार साहब को, और हमने धार जिले में भी इस संबंध में आवेदन दे चुके हैं और वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमने महेश्वर भी तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि 400 का भाड़ा मिलता है छोटे टेम्पो वालों को और 90 रुपये टोल टैक्स ले रहे और 200 का डीजल लग जाता। क्या कमाएगा आदमी और क्या बच्चों को पालेगा? टोल वाले ना तो हमको कोई नियम बता रहे, ना कोई किलोमीटर की दूरी बता रहे, ना कोई वजन की दूरी वो बता रहे। टारगेट के इतने वजन पे इतना लगता है, कोई सूची हम मांगते हैं तो गाली गलौज करके हमारे से 90 रुपये ले लेते और कहते हैं 1 लाख 2 लाख देके हम थाने बेकायदे को बंद करवाएंगे, ताकि सब टेम्पो वाले ऑटोमेटिक या 90 या 100 190 देने लग जाएंगे। तो इसलिए हमारे टेम्पो यूनियन वाले सब भाई मिलके यहाँ आए हैं, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, और आपसे भी एक निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी टीवी पे के माध्यम से सारे कर्मचारी, सारे शासकीय कर्मचारियों को पता लग जाए कि अवैध काम क्या हो रहा है। और ये साधना सिंह जी के पत्नी शिवराज सिंह की पत्नी को, साधना सिंह जी को बदनाम करना चाहते हैं कि टोल में उनकी भागीदारी है, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, हम जो चाहे करेंगे, हमारी मन की मर्जी चलेगी यहाँ पे। क्या नाम लिखते हो आप? मेरा नाम है कमलेश पाटीदार। उसके पास महेश्वर टोल टैक्स लगाया गया, टोल टैक्स नाका लगाया गया है, जिसकी दूरी महेश्वर से 8 किलोमीटर है। ये नाका व्यवसायिक वाहनों को निर्धारित दर से वसूली नहीं कर अवैधानिक रूप से दोगुनी राशि वसूल कर रहा है। हमारे द्वारा वाहन यदि धामनोद 13 किलोमीटर ले जाया जाता है तो टोल टैक्स हमसे 90 रुपये जाने के और 90 रुपये आने के अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। टोल कर्मचारियों से वसूली संबंधित शासकीय वसूली दर सूची मांगी तो देने से मना कर दिया, वो उनके द्वारा वाहनों को लोड का भी हमें खुलासा नहीं किया। टोल कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से मांगी गई राशि हमारे द्वारा नहीं देने पर वाहन स्वामियों से आए दिन गाली गलौज व मारपीट की जाती है। टोल नाके के प्रबंधक से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया कि यहाँ तो हम जो चाहेंगे वही राशि टोल टैक्स के रूप में वसूलेंगे हैं, यहाँ शासन प्रशासन के नियम नहीं चलेंगे। यदि आप कहीं पर भी शिकायत करें, तहसीलदार को, अनुभागीय अधिकारी को करें या फिर जिला दंडाधिकारी को कहीं भी करें, शिकायत नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी के ठेके में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की पत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान की भागीदारी है। अतः श्रीमान सिंह को चालक संघ द्वारा आज आपको एक आवेदन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने समस्या उठाई है कि टोल संचालक द्वारा काफ़ी ज़्यादा राशि उनसे वसूल की जा रही है, तो सर इस विषय को लेकर आपके द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? जैसा कि ये टेम्पो यूनियन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि उनके द्वारा धामनोद और महेश्वर में जब वाहन चलाते हैं तो उनसे ज़्यादा टोल टैक्स लिया जाता है। क्योंकि ये जो टोल टैक्स से संबंधित ज्ञापन है, ये संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा, उनके द्वारा जो भी नियमों में कार्रवाई की जाएगी ये संबंधित विभाग के द्वारा की जाएगी। एक ज्ञापन अतिशीघ्र संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।